हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टमाइज पेज के बारे में। कस्टमाइज पेज क्या होते हैं? एक्चुअली बहुत सारा कस्टमर हमको फ़ोन करके बोलते हैं, सर कस्टमाइज पेज चाहिए क्योंकि हमारा सामने से बाल चला गया। एक्चुअली कस्टमाइज पेज एक हाफ कटिंग पेज होता है जिनका पूरा पेज नहीं लगता है, सिर्फ सामने का ही रहता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कस्टमाइज पेज क्या है। तो कस्टमाइज पेज ये है कि आपका अगर सामने से बाल चला गया और पीछे का बाल पूरा, मतलब मेरा जैसा पीछे का बाल पूरा डेंसिटी है, तभी आपको कस्टमाइज पेज चाहिए। अदरवाइज आपको कस्टमाइज पेज का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा क्लाइंट का फ़ोन आता है, आने के बाद बोलते हैं सर हमें कस्टमाइज पेज चाहिए। फिर उन लोग ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में आने के बाद देखते हैं उनका बैक साइड का डेंसिटी बहुत ही कम है, लेकिन उनको लगाना कस्टमाइज पेज है। अरे भाई, कस्टमाइज पेज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कस्टमाइज पेज जो होता है ये सिर्फ सामने के लिए रहता है और उसका डेंसिटी बहुत ही रहता है। अगर हम सामने में कस्टमाइज पेज लगा के दे दिए आपको और बैक साइड के साथ आपका मैच नहीं हुआ, क्योंकि आपका बैक साइड का जो एरिया है, ये बाल्ड एरिया है, यहाँ पे आपका डेंसिटी अगर कम रहेगा तो आपके साथ वो जो सामने वाला पेज, कस्टमाइज पेज जो हमने लगा के दिया है आपको, उसके साथ वो बाल का मैच नहीं होगा। इसलिए आपको पूरा पेज लगाना चाहिए। तो पहले तो ये जान लीजिए कस्टमाइज पेज किन लोगों के लिए ज़रूरत है। तो कस्टमाइज पेज उन लोगों को ज़रूरत है जिनका यहाँ से लेके बैक साइड तक पूरा बाल है और सामने का बाल हल्का फुल्का चला गया, तो उनको कस्टमाइज पेज का ज़रूरत है। अदरवाइज सब लोगों के लिए कस्टमाइज पेज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केस में हम देखते हैं क्या है कि बाल तो है लोगों का ऊपर में, लेकिन बहुत ही हल्का फुल्का, लेकिन उनको कस्टमाइज पेज लगाना है। भाई ऐसा नहीं होता है। कस्टमाइज पेज अगर हम सामने में इतना तक आपको लगा के दे देंगे और आपका पीछे का डेंसिटी बहुत ही कम रह गया हो, तो इसके साथ इसका मैचिंग नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो में क्लियर करके दे रहा हूँ, जिनका बीच से बाल पूरा है और सामने से चला गया हल्का फुल्का, उन लोगों को ही कस्टमाइज पेज हम सजेस्ट करते हैं। उन लोगों का कस्टमाइज पेज देने से अच्छा से मैचिंग होता है। अदरवाइज आप कस्टमाइज पेज पे नहीं जाइएगा, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये बाल के साथ सामने का बाल मैच नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कस्टमाइज पेज क्या होता है और कस्टमाइज पेज किन लोगों को ज़रूरत है और फुल पेज क्या होता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।